पेगासस पर इतना विदेशी अखबारों में छपा कि आपने खरीदा है, आपने उस पर अपने ऊपर क्या कार्रवाई की, या जिन अधिकारियों ने खरीदा, जिन सरकारी विभागों ने खरीदा, उन पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की। कि अगर स्टेट एजेंसियां अगर क्राइम करती है तो उसको एक अलग धाराओं के तहत भारतीय कानून में लेना चाहिए कि उन पे क्या कार्रवाई होगी। अब उनको एज ए इंडिविजुअल, आप किसी को कोई क्राइम कर रहा है तो बाद में किसी के कोई कार्रवाई करके अलग अलग धाराओं में डाल दें, बेसिकली स्टेट के जो एजेंसियों के जो क्राइम हैं उसके लेकर एक अलग से कानून इस देश में लाने का वादा करे विपक्षी दल। और आज अमेरिका ने कैटेगरिकल खंडन किया है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, क्या उसकी पुष्टि, लोगों ने पूछा अमेरिका में कि भाई क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं जो रिपोर्ट छपी है कि चीन के लिए प्रोपोगंडा, तो उनका कि नहीं, हम इसमें कोई पुष्टि उष्टि नहीं कर सकते। ये सब भी है। फिर अगर आप अखबार में छपने के आधार पर आप किसी पत्रकार या किसी पत्रकार समूहों को आप इस तरह जो है छापा डालेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, 10-10 घंटा पूछेंगे, जेल में डालेंगे, तो अडानी जी के खिलाफ इतना जो है विदेशों अखबारों में सब छपा, तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? आज एक सवाल उठ रहा है कि प्रशांत भूषण ने खुद कहा है कि जो पीएम केयर फंड को भी चाइनीज कंपनियों से पैसे आए हैं, पहली बार, और उन परिस्थितियों में आए हैं जब चाइना लद्दाख एरिया में घुसपैठ कर चुका है, चाइना हमारे एरिया में अरुणाचल में भी लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घुसपैठ किया, और जब हमें पता है कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं सीमा पर, चाइना की सीमा पे, तो ऐसे में चाइनीज फंड कंपनियों से फंड लेने का क्या मतलब है पीएम केयर में, पहला सवाल ये है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और की जो पीठ है उसने जो है लगातार सीबीआई को उसका और उसके ऊपर ईडी पर सब सवाल उठाए हैं, और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी और सीबीआई से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि आखिर मनोज सिसोदिया के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ है। मतलब खुल के बोली तो संजय सिंह जिसंग से अडानी पे अटैक कर रहे थे लगातार, और खास करके जो अडानी के जो बैंकिंग लूट पे लगातार बोल रहे थे, और तमाम अडानी के हेरा फेरी पे बोल रहे थे, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे बोल रहे थे, और संजय सिंह के मैंने तमाम भाषणों को सुना, तो उन भाषणों को सुनने के बाद और उनके जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा तो उसमें अडानी उनका एक विषय होता था, तो ये मतलब कि लाजमी था कि उनकी गिरफ्तारी होनी थी। पत्रकार गिरफ्तार, कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट गिरफ्तार, नेता गिरफ्तार, और बैंक को अरबों खरबों का चूना लगाने वाले, जनता के पैसे का चूना लगाने वाले फरार, विदेश फरार, और विदेश में उनकी मौज। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। कई दिनों से निजी कारणों से मैं अंबेडकर नामा पे मौजूद नहीं था, आज एक लंबे अंतराल के बाद रूबरू हो रहा हूं। कई घटनाक्रम साथ में घटी है, पत्रकार हमारे कई साथी पुलिस ने डिटेन किया, मुकदमा में यूएपीए टाइप से मुकदमा दर्ज हुआ, संजय सिंह उसके बाद गिरफ्तार हुए, और ये क्रोनोलॉजी समझिए, क्या क्रोनोलॉजी, पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है, नेता लगातार संजय सिंह लगातार संसद में अडानी पर हमला बोलते रहे, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया पूरे सेशन के लिए, और ये क्या मसला है ये समझेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, दोनों पत्रकार हैं पेशे से, जेपी सिंह साहब हैं वकील भी हैं, और संजीव पांडे साहब हैं वो पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं। ये समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ये घबराहट का प्रतीक है या विरोधियों को, विरोधी स्वर को लोकशाही में दबाने की कोशिश है। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। जी सर नमस्कार। संजीव जी आप ही से शुरू करते हैं पहले। जी जी बताएं, पत्रकार भी गिरफ्तार हुए, कई एक्टिविस्ट तो गिरफ्तार पहले हो चुके हैं, मुकदमे लग चुके हैं, कई पत्रकार को मारा भी गया है, हत्या भी हुई है। जी देखिए, जो संजय सिंह की जो गिरफ्तारी जो कल हुई है, और ये इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि संजय सिंह विपक्षी दलों के जो तमाम नेताओं में जो सबसे मुखर रूप से जो कुछ जो बोलने वाले नेता थे है, उसमें से एक संजय सिंह भी हैं, और संजय सिंह जो कि कॉरपोरेट क्या कहा जाता है जो
इस देश में जो कॉरपोरेट के जो एक पक्ष में जो पूरी की पूरी पॉलिसी बनाई जा रही है या कॉरपोरेट जिस ढंग से पब्लिक सेक्टर को लूट रहा है, जिस ढंग से मतलब खुल के बोलिए तो संजय सिंह जिस ढंग से अडानी पे अटैक कर रहे थे लगातार, और खास करके जो अडानी के जो बैंकिंग लूट पे लगातार बोल रहे थे, और तमाम अडानी के हेरा फेरी पे बोल रहे थे, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे बोल रहे थे, और संजय सिंह के मैंने तमाम भाषणों को सुना, तो उन भाषणों को सुनने के बाद और उनके जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा तो उसमें अडानी उनका एक विषय होता था, तो ये मतलब कि लाजमी था कि उनकी गिरफ्तारी होने थी। अब एक जो तात्कालिक जो मामला बताया जा रहा है कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी का, कि उसमें कहते हैं कि केंद्र सरकार की एक रणनीति ये लगातार रही है आम आदमी पार्टी पे प्रेशर डालने के लिए कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी डिस्टेंस बनाए और इंडिया गठबंधन से निकले, और उसमें लगातार ये आम आदमी पार्टी पे प्रेशर था। इससे पहले देखिए मनीष सिसोदिया, की पहले गिरफ्तारी हुई और उससे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो ये तीन लोग ऑलरेडी ईडी के और उनके सीबीआई एजेंसियों के शिकंजे में हैं। लेकिन तात्कालिक संजय सिंह की गिरफ्तारी का जो एकमात्र जो कारण मुझे दो कारण नजर आ रहे हैं, एक तो कि इंडिया गठबंधन में जो लगातार आम आदमी पार्टी का बने रहना जो भाजपा के लिए मुफीद नहीं है, और दूसरा जो अडानी पे लगातार जो संजय सिंह का अटैक हो रहा था वो एक तात्कालिक कारण बना। और आज तो केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं, ह्यूमन रिसोर्स मंत्री या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि अभी मेन जो बंदा है वो तो बाहर है, उन्होंने सीधा अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा किया है कि उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे यही लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के तोड़ने के लिए एक लास्ट प्रयास है कि किस ढंग से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, गठबंधन से बाहर निकाला जाए। और दूसरा ये है कि चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इनसे विधानसभा भी छीन रखा है, आम आदमी पार्टी ने इनसे लोकल बॉडी भी छीन ली थी, और लोकसभा चुनाव में भी जो बीजेपी को रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी के पक्ष में दिल्ली में नहीं है, तो उन्होंने इसी ढंग से आप देखिए कि सिर्फ आम आदमी है क्यों, आप देखिए तो टीएमसी पे भी उन्होंने लगातार प्रहार उनका जारी है, टीएमसी भी इंडिया गठबंधन में है, और जो जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है उनको छोड़ा जा रहा है, जैसे जगनमोहन रेड्डी जो है वो बताया जा रहा है कि दिल्ली से उनकी केंद्र से साठ गांठ चल रही है, तो जगनमोहन रेड्डी पे फिलहाल हमला नहीं हो रहा है, और अब बताते भी जा रहा है कि संजय सिंह के तात्कालिक गिरफ्तारी के कारण जगनमोहन रेड्डी भी है, कि जगनमोहन रेड्डी ने शायद इंश्योर किया है बीजेपी को कि हम आपके साथ 2024 के बाद भी चलेंगे, और उसका रिजल्ट ये मिला है कि इसी शराब घोटाले में जो एक गिरफ्तार हुए हैं जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के एक सांसद के बेटे राघव रेड्डी, उनको शायद सरकारी गवाह बना लिया गया है सिर्फ इसी कंडीशन पे कि वो एनडीए के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और राघव रेड्डी जो है जो एनडीए जो 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 जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के जो सांसद के बेटे हैं राघव रेड्डी, जो इसमें एक्यूज थे दिल्ली शराब घोटाले में, उनको सरकारी गवाह बनाने के साथ ही उसके बाद तुरंत संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये एक पॉलिटिकल अलायंस का भी एक रिजल्ट है कि जो कहीं ना किसी ना किसी तरीके से 2024 में जो बीजेपी आना चाहती है तो जो उनके साथ चल रहा है उनको रिलैक्स भी कर रहे हैं, और जो उनके खिलाफ चल रहा है उनपे सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। जी जेपी सर जी, क्या इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में देखा जाए, और आप किस रूप में देखेंगे? आप ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका जो है मनीष सिसोदिया के जमानत पर दो दिन से बहस चल रही, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और की जो पीठ है उसने जो है लगातार सीबीआई को उसका और उसके ऊपर ईडी पर सब सवाल उठाए हैं, और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी और सीबीआई से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि आखिर मनोज सिसोदिया के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ है। अब सवाल है कि क्या सिसोदिया को बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया, फरवरी महीने में गिरफ्तारी के बाद से जेल में रखा गया है। इस दिन उन्होंने कहा कि सिर्फ दिनेश अरोड़ा का बयान है जिसके आधार पर आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, तो आप ये बताइए कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा आपके पास क्या सबूत है? कोई किसी के बारे में कुछ भी कह देगा आपके और कहने के आधार पर अरेस्ट कर लेंगे, कि सबूत भी दिखाएंगे कि उसने कहा तो उसके पुष्ट के लिए सबूत कहाँ है? और इसी दिनेश अरोड़ा के ही नाम पर संजय सिंह को भी अंदर किया गया,
सवाल इस बात का है कि हम आपको अंदर करेंगे क्यों, क्योंकि आप लगातार संसद में सवाल खड़े कर रहे हैं, समस्या खड़ी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की सिफारिश के बावजूद संजय को संसद से जो निलंबन हुआ था उसको जो है बहाल नहीं किया गया। संजय संसद के सदन के बाहर धुनी रमाए बैठे रहे, धरना देते रहे। आम आदमी पार्टी का ख्याल सबसे ज्यादा सरकार ही रखती है। अब जनता की मुखर आवाज रहे हैं संजय सिंह और कांग्रेसियों से ज्यादा प्रभाविक और मौलिक नारे गढ़ते रहते हैं। उनकी आवाज भी डॉक्टर मनोज झा की तरह बुलंद है और संसद की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वन पैदा करती है, अर्थात गूंजती है, और ध्वनि से ज्यादा गूंजने का असर होता है। इसे अंग्रेजी वाले इको कहते हैं। तेज आवाज में बोलने वालों की वजह से संसद का इको सिस्टम खराब होता है, इसलिए सदन के नेता कोशिश करते हैं कि तेज आवाज में बोलने वाले सांसदों को काबू में रखा जाए, वे ना माने तो उन्हें निलंबित कर दिया जाए, यानी न रहे बांस न बजे बांसुरी, और अगर उससे भी नहीं माने तो फिर ईडी और सीबीआई, ये सब तो आई है। सीबीआई पहले भी संजय को जो है क्या कहते हैं मतलब जेल में रख चुकी है। अच्छा सरकार भाई संस्कारित है, सनातनी सरकार है, उसे मालूम है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, इसलिए जहां जहां तेल नजर आता है सरकार उसे जो है वो कम कर देती है। ये फार्मूला प्रमाणिक फार्मूला है। यही वजह है कि इसे न केवल सांसदों पर बल्कि पत्रकारों और वेबसाइटों पर भी अपनाया जा रहा है। आज जो है वो दिल्ली के लोअर कोर्ट में आपके पत्रकारों के मामले में बहस चल रही है, उसमें एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है कि भाई हमें एफआईआर की कॉपी तो दी जाए। तो सरकारी वकील ने फरमाया कि साहब एफआईआर की कॉपी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि आप जो है पुलिस कमिश्नर के पास जाइए, वो जो है वहां एप्लीकेशन दीजिए, वो एक कमेटी गठित करेंगे जो देख सोचेगी कि आपको जो है यूएपीए की फोटो मतलब एफआईआर की कॉपी दें कि ना दें। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबूत कहाँ है केवल बयान के अलावा, सेम टू सेम मामला आपके पी चिदम्बरम का था ईडी का, जो सीना वोरा के जो है स्टेटमेंट के आधार पर जो है उनको पकड़ लिया और आज तक सिंगापुर से उनके खिलाफ जो है सबूत अभी आ ही रहा है। चिदंबरम जो है वो जेल में रहने के बाद छूट भी गए, उनका जोरबाग का बंगला जो है पीएमएलए आपके ट्रिब्यूनल से रिलीज हो गया और आज तक चिदंबरम के खिलाफ सबूत नहीं आया। यूएपीए के इस कठोरता के लिए चिदंबरम को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन चिदंबरम के बाद जब ये सरकार आई तो इसने अमेंडमेंट करके उसको इस तरह बना दिया कि जिसको चाहो जब तक जो है बिना उसके जो है संशोधन उसके जो है क्या कहते हैं आपके कानूनी प्रक्रिया के उसको जेल में रखो। क्यों? क्योंकि अभी एक हाई कोर्ट के जज साहब ने फरमाया है कि यूएपीए में और पीएमएलए पीएमएलए में जो है वो क्या कहते हैं जमानत जो है वो क्या कहते हैं अपवाद है, मतलब वो नहीं है कि जमानत अधिकार है और जो है वो क्या कहते हैं जेल अपवाद है। उन्होंने कहा कि जेल जो है वो अपवाद नहीं है, जमानत अपवाद है। तो कहने का मतलब है कि जो है इनको भी बयान के आधार पर पकड़ लिया गया। अब कल गए मान लीजिए कि कोर्ट में जाने के बाद छह महीने तक ये लड़ाई चले, साल भर लड़ाई चले, अभी सिसोदिया की फरवरी से चल रही है ना, लोअर कोर्ट में जाओ तो हाई कोर्ट में जाओ तो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो, फिर लोअर कोर्ट में जाओ तो फिर हाई कोर्ट में जाओ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आओ। छह महीना फरवरी से अक्टूबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तीन तीन छह तो आठ महीने से तो जेल में है ना। अब संजय सिंह को भी इसी तरह प्रक्रियात्मक उसमें झुलाते रहिए झुलाते रहिए, आठ महीने साल भर तो संजय सिंह जेल में रहे। 2024 के इलेक्शन में अगर कोई अन्यथा जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं किया तो आने की संभावना तो संजय सिंह की भी नहीं रहेगी ना। हर स्टेप पर अब जो है मुकदमा लड़े संजय सिंह, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट सब चीजों पर विचार करता है उस तरह लोअर कोर्ट विचार नहीं करता, लोअर कोर्ट विचार नहीं करता उसके बाद हाई कोर्ट भी नहीं विचार विशेष करता, अंत में सुप्रीम कोर्ट में आना ही पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल उठता है कि जांच एजेंसियां माने ईडी और सीबीआई बताए सबूत कहाँ है इस हर मामले में, इसमें जो है प्रथम दृष्टया सबूत। अब देखिए अभी कल ही परसों में ये फैसला आया है कि सीबीआई को उसको आपको लिख के देना पड़ेगा ईडी को कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक ये जो है कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला कि संजय सिंह को लिख के दिया गया कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। केवल इसी मामले में ये मामला उड़ सकता है, लेकिन जो प्रक्रियात्मक रूप से उतने दिन वो जेल में रहेंगे उतने दिन वो रहेंगे, सुर्खियां बनती रहेंगी सरकार की नाकामियों के बदले ईडी पर बहस होती रहेगी, उतने दिन तक तो जेल में रहेंगे ही ना। तो सवाल है कि
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सिसोदिया इस मामले में शामिल नहीं दिख रहे हैं। पूछा कि उन्हें मलिन नारंग में कैसे आरोपी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया इस मामले में शामिल नहीं है, विजय नायर है लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। आपने उन्हें मलिन लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाया, पैसा उनके पास नहीं जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जब ये टिप्पणी है उसी पैसे के ही लिए संजय सिंह को भी अंदर कर दिया गया। शराब नीति भी, जो शराब नीति का घोटाला होने वाला था हुआ नहीं था, अभी लागू होने के पहले ही सरकार ने रद्द कर दिया। ये बिल्कुल 2G स्पेक्ट्रम की तरह है कि अगर कि हुआ नहीं, होने वाला था, अगर ऐसा होता तो हो जाता। तो आप क्या है, खुदाई खिदमतगार हैं कि आप जो है वो पट से वहां वो पुलिस मुठभेड़ की तरह पहुंच जाते हैं कि अचानक एक आतंकवादी आया। और ये तो बिल्कुल जाली LLB वाली जो है सीन हो गई है कि आपको पहले ही पता चल जाता है, आप अचानक प्रकट होकर के गिरफ्तार हो जाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या जो है, मतलब क्या कहते हैं, गड़बड़ी हो जाए। आप स्टेट के मामले में बिना किसी शिकायत के आप जो है हस्तक्षेप करके ED के नाम पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये पूरा जो है आप संघीय ढांचे को जो है चूर चूर कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। तो राजनीतिक निहितार्थ इसके ये हैं कि आप ये बताइए कि इंडिया में इंडिया गठबंधन में आपके रहते हुए पंजाब में एक कांग्रेस का जो है पूर्व MLA क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्या वो अमित शाह के इशारे पर मान साहब ने गिरफ्तार करवाया? क्या मान साहब की अमित शाह से भीतर भीतर गुपचुप जो है कोई जो है घालमेल नहीं चल रहा? आप यहाँ जो है राघव चड्ढा की शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके जो है मतलब मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, और संजय सिंह की गिरफ्तारी की तलवार जो है सरकार लगातार लटकाए हुए, उनको डेट दिया है कि इस डेट को आइए हम आपकी जो है पूछताछ करेंगे ED में। और आप जो है जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ उसका अगर ED हिसाब मांगेगी तो राघव चड्ढा कहाँ देंगे, क्योंकि उनका तो करोड़ों में रिटर्न भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल होता। हाँ, परिणीति चोपड़ा के पास करोड़ों रुपए हैं, उनका फाइल होता है तो फिर वो भी हिसाब किताब उनको भी दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने पेमेंट किया, किस बाउचर, किस चेक, किस से पेमेंट किया। आपकी पूरी पार्टी जो है लंबू लेट है जो है वो जश्न मनाने में राघव चड्ढा की। तो ये क्या राघव चड्ढा की जो है BJP से जो है भीतर भीतर कुछ घालमेल है, या मतलब कोई जो है उनका भी कोई मामला सब भीतर भीतर चल रहा है? हमें तो भाई शुरू से आपके ऊपर आशा है, फिर आप जो है वो का कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है उनकी B टीम है IRSS की, लेकिन इसमें अल्ट्रा लेफ्टिस्ट भी शामिल है। तो अल्ट्रा लेफ्ट के भी कुछ लोग शामिल हैं, ये भी शामिल है, पूरा घालमेल है कि कौन लेफ्ट है और कौन राइट है। नतीजा क्या, और जो बहुत ही अपने को घोषित रूप से लेफ्ट या अल्ट्रा लेफ्ट थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये लोग तो सब निकाल बाहर कर दिए गए। और ऐसे भी जो है वो छोड़ने वालों की संख्या आप में ज्यादा है, रहने वालों की संख्या कम है, आपस में विवाद अपनी जगह पर है। तो कहने का मतलब है कि मामला राजनीतिक निहितार्थ का भी है, मामला जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का भी है कि जो है वो हम आपको नहीं, कुछ नहीं तो 6 महीना 8 महीना बोलने ही नहीं देंगे, आप उतने दिन जेल में रहिए, छूट जाइएगा, छूट जाइएगा। अभी तो हमने आपको अंदर कर दिया ना, अभी अंदर कर दिया, छूट जाएंगे आप, छूट जाएंगे अदालत से, लड़िए अदालत में लड़ाई, और लाइक माइंडेड जज आए तो हो सकता है जमानत भी ना हो। जी संजीव जी, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश, अभिजार शर्मा, तमाम भाषा सिंह, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, और ये चर्चा में आया कि चाइनीज फंडिंग है, क्या है, ये है, क्या उसमें अपडेट है, एक तो ये बताइए, और दूसरा चीन से जो इकोनॉमिक्स है भारत का, कौन व्यापार कितना करता है, कौन माल इधर से उधर जाता है, जरा उसके बारे में बताइए, आप चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी ज्यादा रुचि रहती है। जी देखिए, जो चीनी फंडिंग को लेकर जो आरोप है, ये पहले आरोप नहीं है न्यूज क्लिक पे। इससे पहले देखिए, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या NGO है, उनको उनके ऊपर भी चीनी फंडिंग के आरोप लगे थे। और दूसरा ये है कि चीनी राजदूत से मिलना शायद राहुल गांधी का, उस पर BJP काफी हमलावर रही थी। और मेरा ये मानना है कि देखिए, दुश्मन मुल्क से अगर कोई फंडिंग ले रहा है, और चीन चूंकि भारत विरोधी एक ग्रुप है, भारत विरोधी एक लगातार चीन की नीति रही है, और हमारी सेवाओं पे हमेशा वो अटैक करता रहा है। 1962 से हमारे रिलेशन उनके चीन से कभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। और वैसे में अगर कोई भी देश का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई NGO हो, चाहे कोई वो कोई भी संस्था हो, अगर चाइना का फंडिंग हुआ है, अगर उसमें सच्चाई है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी देशभक्त आदमी इस पर विरोध नहीं करेगा और उस समर्थन करेगा। लेकिन इस पर कुछ सवाल है,
सवाल उठ रहे हैं, जैसे आज एक सवाल उठ रहा है कि प्रशांत भूषण ने खुद कहा है कि जो पीएम केयर फंड को भी चाइनीज कंपनियों से पैसे आए हैं पहली बार, और उन परिस्थितियों में आए हैं जब चाइना लद्दाख एरिया में घुसपैठ कर चुका है, चाइना हमारे एरिया में अरुणाचल में भी लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घुसपैठ किया, और जब हमें पता है कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं सीमा पर, चाइना की सीमा पे, तो ऐसे में चाइनीज फंड कंपनियों से फंड लेने का क्या मतलब है पीएम केयर में? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, एक मिनट संजीव जी, ये भी बताइए कि क्या चीन को भारतवर्ष ने दुश्मन देश घोषित कर रखा है? मैं वही आगे आ रहा हूँ कि 1962 से देखिए आपके रिलेशन 1985 तक बहुत ही खराब रहे, और 1985 के बाद राजीव गांधी जब चाइना के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करी, तो राजीव गांधी ने संबंध सुधारने की कोशिश करी, राजीव गांधी के टाइम में बातचीत शुरू हुई, राजीव गांधी चीन की यात्रा पे गए, उसके बाद राजीव गांधी की मौत हुई, बीपी सिंह आए, फिर नरसिंह राव आए, फिर एचडी देवगढ़ आए, फिर इंद्र कुमार गुजराल आए, और इन्होंने चीन के साथ संबंध को ठीक करने की लगातार कोशिश करी, कुछ टॉक्स भी हुए, कुछ समझौते भी हुए कि बॉर्डर पे कैसे सिचुएशन को ठीक रखना है, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। तिब्बत जो ऑटोनोमस रीजन को मान्यता किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दी थी, राजीव गांधी से लेके इंद्र कुमार गुजराल साहब तक ने। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जब 1999 में वो सत्ता पे आया और 2004 तक रहे, तो उसी दौरान आप देखिए कि वो बीजिंग की यात्रा पे जाते हैं और तिब्बत को चीन का आंतरिक एरिया स्वीकार करते हैं, सरकार का ऑफिशियल हो जाता है कि तिब्बत जो है वो चीन का जो है अंग है। अब बताइए कि इस पे क्या डील हुई थी? देश का जो इतना बड़ा जो बॉर्डर पे हमारा चाइना से डिस्प्यूट है, तिब्बत किस सीमा में बैठ के चाइनीज सैनिक भारत पे अटैक करते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, और ऐसे ही स्थिति में आपने तिब्बत को कौन से डील के तहत कह दिया कि तिब्बत जो है चीन का आंतरिक मामला है, और तिब्बत को ऑफिशियली उन्होंने चीन का एरिया स्वीकार कर लिया था, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को मान्यता दे दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर एक सवाल और भी है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो आप देखिए कि उस दौरान कितने बार वो चाइना के दौरे पे गए और कितना चाइना का इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर आया, और आज भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो गुजरात के अंदर चाइना का है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा शासित राज्यों ने पिछले दस सालों में 2014 के बाद भाजपा शासित राज्यों में चीन के कितने कंपनियों से एमओयू हुई है, अडानी से कितने एमओयू हुए हैं, आपको ऑफिशियली मिल जाएगा कि अडानी से मुद्रा पोर्ट पे चीन की कंपनियों का एमओयू हुआ डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र में चीन का एमओयू हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पे, गुजरात में बड़ोदरा में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए चीन का एमओयू हुआ। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के डील सारे होते रहे, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सारा प्रोटोकॉल तोड़ के ना राजीव गांधी ने, ना नरसिंह राव ने, ना बीपी सिंह ने, किसी ने नहीं चाइनीज राष्ट्रपति को इतना सम्मान दिया था जितना प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, गुजरात के अंदर उनको ले जाके अहमदाबाद में साथ में झूला झुलाया, साबरमती का दर्शन कराया, और वो लगातार यात्रा चलती रही, फिर महाबलीपुरम में भी उसी ढंग का प्रेम दिखा जिनपिंग के प्रति, ये कौन सा डील था? सवाल ये है। और जब 2020 के बाद लगातार चाइना से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो आज भी ट्रेड ऑफ बैलेंस, ट्रेड जो है 120 अरब डॉलर का लगभग ट्रेड है, और वो चीन के पक्ष में है, वो 80 अरब डॉलर का ट्रेड कर रहा है, भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना। आज तक पाकिस्तान को तो आपने रोक लगा दिया, पाकिस्तान से तो आपका ट्रेड अभी 1 अरब डॉलर भी नहीं हो रहा है उरी अटैक के बाद, सालाना छिटपुट हो रहा है, और आप चीन से, हमारे सैनिक शहीद हो गए लद्दाख में, और आपका चीन से व्यापार 130 से 140 अरब डॉलर तक बढ़ गया, ये कौन सी डील है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का डील है। मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा तो देशद्रोह कोई ज्यादा है ही नहीं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, तो अडानी के भाई विनोद अडानी के जो चाइनीज कंपनियों के साथ लिंक आए, उस पर ईडी ने कितनी इंक्वायरी कर ली अभी तक, कौन से सीबीआई ने उस पर मुकदमा दर्ज किया, और चूंकि अडानी का जो सारा पैसा है सेल कंपनियों के थ्रू लग रहा था, और उसमें कुछ चाइनीज कंपनियों की भूमिका सामने आई, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। तो मेरा यह कहना है कि एक वेबसाइट ने 24 करोड़ रुपया ले लिया कि पता नहीं कितने करोड़ रुपया ले लिया, आपने उस पर जांच कर दी, ईडी लगा दी, आपने बंदे गिरफ्तार भी कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं तो पूछता हूं कि कम से कम पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है,
चीन के कंपनियों से, अडानी साहब का क्या चाइनीज कंपनियों के साथ संबंध है, इसकी जांच तो ईडी करे ना। ये तो जांच हो नहीं रही है, आपने एक वेबसाइट को पकड़ दिया। और इस देश में कितना, एक और भी मैं सवाल पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बीच संगठन को समझ बूझ के लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता चाइना गए और फोटो में भी उनकी, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को समझने गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, वहां तो वन पार्टी सिस्टम है। और इस चीज को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता गए वहां समझ के आए। तो क्या मतलब कि एक तरफ तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्टडी कर रहे हो, उनकी पार्टी के संगठन के ढांचा जाकर आप लोग समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैंने ये कभी नहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी अन्य दल के नेता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन को और उसके ढांचे को समझने गए हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए, अखबारों में पता चल जाएगा कि कितने नेता गए हैं, कितना इनके संगठन के लोग वहां गए हैं चाइना, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी को भी समझने गए हैं। तो मेरा ये समझना है कि ये कौन सी डील है। ये सारी बातें जब सामने आएगी ना, तो इन बातों से पता चल जाएगा कि ये टोटल दोहरी रणनीति है। और आप चाइना को लेकर एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है, चाइना से डरते हैं, चाइना हमारी सीमा में बैठा हुआ है। आप ये मानने को भी तैयार नहीं हुए थे कि चाइनीज हमारी सीमा में बैठे हैं। आज भी 26 पेट्रोलिंग प्वाइंट चाइना के कब्जे में है, लेकिन हमारे देश के जो टॉप के लीडरशिप है वो बोलता नहीं है। ये कौन सी डील है, इस पे भी ईडी की जांच करनी चाहिए। आखिर कौन सा डील है भाई कि आप हमारे क्षेत्र में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिक वहां बैठे हैं, लगभग 50,000 सैनिक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वहां पे उनके लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, और आप जो है एक लाइन चाइना के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी डील है, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, तो सेम जो रणनीति है वो चाइना के खिलाफ भी होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है ये जो भी कार्रवाई जो इनकी हुई है, न्यूज क्लिक के जो जो टीम है उनको, जो मतलब कि जो उनके मालिक या उनके जो भी प्रशासनिक अधिकारियों को इन्होंने जो गिरफ्तार किया है, तो मैं समझता हूँ उतनी ही ईमानदारी जो है गौतम अदानी साहब से पूछताछ करने के लिए ईडी अपनाए, उतनी ईमानदारी कि आखिर कौन कौन से और एनजीओ, कौन कौन से और संस्थाओं को चाइनीज कंपनियों से, ओप्पो से और लोको से, हुवावे से, किन किन कंपनियों से फंडिंग इस देश के अंदर हमारी संस्थाओं को मिलता रहा है, उसकी भी तो जांच करवा लेना, फिर पता चलेगा कि सरकार कितनी ईमानदार है। जी जेपी सर, संजीव जी डील की बात कर रहे हैं, डील वो वेबसाइट को कुछ पैसे मिले होंगे, किस थ्रू मिली वो जांच वांच का विषय है, और किस पर्पस से मिला क्या है। अरे भाई, उसमें एक जो है अमेरिका का उद्योगपति है सिंघम, जो कहा जाता है कि चीन का सिंपेथाइजर है, उसने जो है इनके इनको फंडिंग किया है, और कहा जा रहा है कि उसने चीन के पक्ष में प्रोपोगंडा करने के लिए इनको फंडिंग किया गया है। 2021 में ईडी के राडार पर ये आ चुके हैं, और सब मामले में इनको उस समय क्लीन चिट मिल गई थी, ईडी प्रमाणित नहीं कर पाई थी इसको। अब ये पुलिस के स्पेशल सेल के नाम पर इनको फिर से जो है समझ लिए पकड़ा गया है। तो अभी तो सिंघम और अच्छा, और आज अमेरिका ने कैटेगरिकल खंडन किया है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, क्या उसकी पुष्टि, लोगों ने पूछा अमेरिका में कि भाई क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं जो रिपोर्ट छपी है कि चीन के लिए प्रोपोगंडा, तो उनका कि नहीं, हम इसमें कोई पुष्टि उष्टि नहीं कर सकते। ये सब भी है। फिर अगर आप अखबार में छपने के आधार पर आप किसी पत्रकार या किसी पत्रकार समूहों को आप इस तरह जो है छापा डालेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, 10-10 घंटा पूछेंगे, जेल में डालेंगे, तो अडानी जी के खिलाफ इतना जो है विदेशों के अखबारों में सब छपा, तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? पेगासस पर इतना विदेशी अखबारों में छपा कि आपने खरीदा है, आपने उस पर अपने ही ऊपर क्या कार्रवाई की? या जिन अधिकारियों ने खरीदा, जिन सरकारी विभागों ने खरीदा, उन पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? पनामा पेपर्स और तमाम पेपर्स में जो तमाम लोगों को पढ़ाया, तो ये भी तो सब विदेशी अखबारों में ही छपा था, वाशिंगटन पोस्ट में छपा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था, लमांद में छपा था, गार्जियन में छपा था, आपने क्या कार्रवाई की उस पर? तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक जगह छप जाए तो आप कार्रवाई करें और जो है जो जो आपके लाइक माइंडेड हो वहां कार्रवाई नहीं करें। अडानी पे हिंडनबर्ग पर क्या कार्रवाई की आपने? अभी तक आपका सेबी जो है वो क्या कहते हैं झूल रहा कि कैसे बचाया जाए सेबी पर जो है वो, और अमेरिका ने ओसीसी पीआर की एक रिपोर्ट आ गई, उसने और सेबी को भी नंगा कर दिया, क्या कार्रवाई की आपने? तो आप कार्रवाई कीजिए, हम कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है, लेकिन चीन चीन के मत कीजिए।
जैसे कहते हैं कि कानून की देवी अंधी होती, तो अंधे ढंग से जो है सबको जो है एक तराजू पर तौलिए, आप ये नहीं कि इनको किसी और तराजू पर तौलेंगे, उनको किसी और तराजू पर तौलेंगे। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जो है ईडी पर अपना रुख बोपन्ना साहब की कोर्ट में पेश जी, एक लाइन में बीच में थोड़ा सा एक लाइन बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में जो इसमें भी कहीं ना कहीं अडानी लिंक हो रहा है, क्योंकि ये इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार अडानी पे अटैक कर रहे थे। उसमें आपको जो परंजय गुहा ठाकुरता है, वो जब ईपीडब्ल्यू में थे तो उन्होंने अडानी पे कुछ आर्टिकल लिखे थे, तो यहाँ भी एक अडानी का एंगल है, ध्यान रखना होगा। गुजरात में केस चल रहा है, तो ये न्यूज क्रिक में भी जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अडानी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, तो यहाँ भी थोड़ा सा मुझे अडानी का ही भी एंगल लग रहा है। आप बोलिए सर। दूसरी बात ये है कि देखिए, परंजय गुहा ठाकुरता पर तो गए गार्डर है कि वो अडानी से संबंधित किसी भी मामले में जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तब तक कोई लेख नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो सवाल इस बात का है कि जब और जगह और सब छप रहा है, आपके कुकृत्यों के बारे में छप रहा है, आपका अमेरिकी संस्था की जो रिपोर्ट भारत में जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों और को लेकर के आई थी, दंगों को लेकर आई थी, उस पर आपने क्या किया? तो चीन चीन के आप कार्रवाई करेंगे। और जो आपने अभी तक ईडी की कार्रवाई लोगों पर की है, उसमें चिदम्बरम को सजा हुई या मीसा भारती को सजा हुई? मीसा भारती का भी फार्म हाउस पीएमएलए के वहां से जो है रिलीज हो चुका है। इस पर क्या सिवा इसके कि आप दंडात्मक कार्रवाई करते हैं और बाद में अदालत में सब मामला टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, क्योंकि सबूत आपके पास रहते नहीं है। यहाँ जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रिजर्व है और इनके खिलाफ आ सकता है, इनके सरकारी वकील बता देते हैं सर आर्डर पक्ष में आएगा कि खिलाफ आएगा, तो उसके पहले इन्होंने संजय सिंह को टांग लिया, क्योंकि फिर उनको भी लिख के देना पड़ता कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी संजय सिंह को इन्होंने लिख के दिया है कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश है कि जो है इनको लिख के देना पड़ेगा कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो आगे जाके उसके आधार पर रिलीफ मांग सके, उसके आधार पर तर्क प्रस्तुत कर सके। अभी आपके एक पवन बंसल को इसी तरह वहां जो है एक जो है प्रॉपर्टी डीलर को अभी पंजाब चंडीगढ़ के छोड़ा है बोपन्ना की कोर्ट ने, जमानत उसकी मंजूर कर दी है, क्योंकि उसको लिख के नहीं दिया था। ये खाली है कि पूछताछ में टाल मटोल कर रहे, यही संजय सिंह पर भी होगा कि पूछताछ में टाल मटोल कर रहे, अभी तो कोई पूरी बात सामने आई नहीं, धीरे धीरे सामने आएगी। यहाँ तो ये है कि जैसे पहले आपका मीसा था या प्रिवेंशन डिटेंशन था कि बिना कारण बताए आपको पकड़ के बंद कर दिया, अब उसके बाद 6 महीना साल भर 2 साल आप जेल में रहिए, फिर देखा जाएगा। या उत्तर प्रदेश में जो रासुका शुरू हुआ था कि हो जाए तो साल भर बाद आपकी समीक्षा होगी कि आप इसके हैं कि नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कल गए ये प्रमाणित होता, जैसे आज मनीष सिसोदिया पर 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि सबूत कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट राजी क्यों नहीं संजय सिंह के मामले में पूछती स्वतः संज्ञान लेके, सबूत कहाँ है? सबूत ले आओ और अनंत काल तक जेल में रखो, जेल में ही ना रखो, सावरकर के जेल, वीर सावरकर के जेल, अंडमान निकोबार में भेज दो इनको। जी तो क्या जेपी सर, ये जो बिजनेस डील होता है चाइना से, उसपे देशभक्ति वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है? नहीं सर, मैं मेरे हिसाब से चाइना शत्रु देश घोषित नहीं है। चाइना के साथ आपके व्यापारिक संबंध है, चाइना के तमाम जो है भारतीय जो है मझोले और छोटे जो है क्या कहते हैं उद्योगपति टाइप के लोग या व्यापारी लोग चाइना से माल मंगाकर यहाँ उसकी ब्रांडिंग करके यहाँ उसकी असेंबलिंग करके बेच रहे हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चीन के तमाम चाइनीज उद्योगपतियों के उद्योग लगाने के लिए सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। तो चीन जब शत्रु देश, पहले आप बताइए कि चीन शत्रु देश है कि नहीं, और शत्रु देश है तो आपकी सरकार की उससे हाफ नाबिंग क्या है, वो जमीन पर कब्जा किया, ये सब सेकेंडरी है। पहले ये बताइए कि आपकी और चीन की जो ये आर्थिक मिली भगत है इसको क्या कहते हैं, और फिर जो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर फंड में आया पैसा वो भी दे, और साथ में जो इलेक्टोरल बांड भी क्लियर करे कि किस किस देश से इलेक्टोरल बांड में किस किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। जी जी, ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। संजीव जी जी, देखिए न्यूज क्लिक पे जो एक है कि अगर चाइनीज प्रोपगंडा कर रहे हैं, न्यूज क्लिक पे एक आरोप है कि चाइनीज प्रोपगंडा कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ ठीक है, न्यूज क्लिक आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। और जी मैं कहता हूँ ठीक है, हम कहते हैं कि मैं डेली अखबार पढ़ रहा हूँ, 4-4 पेज का चाइना की तरफ से विज्ञापन छप रहे हैं चाइनीज की इंडस्ट्री के लिए, चाइना को उसके लिए, वो बिना फ्री में वो तो विज्ञापन छप रहे हैं चाइना को लेकर, क्या वो चाइनीज प्रोपगंडा नहीं है?
उस पर क्या जांच करी कि कौन सी कंपनियां क्यों पैसा दे रही है, किस अखबार को कैसे दे रही है, देश के बड़े अखबारों को। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक हमारे दुश्मन मुल्क के राष्ट्रपति को, क्या पाकिस्तानी राष्ट्रपति को किसी ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूला झुलाया इस देश के अंदर किसी ने पिछले 20-30 सालों में? लेकिन आप क्यों झूला झुला रहे हैं? ये प्रोपगंडा नहीं है चाइना का? वो हमारे सैनिकों को बॉर्डर पे मार रहा है और आप उसको झूला झुला रहे हैं? इससे बड़ा प्रोपगंडा चाइना का क्या हो सकता है? मेरा ये मान पूछना है, आप बताइए। मतलब कि अरे इसके अलावा आपने चीन को सखी बनाया है, वो आपका सदरी बदल के, वो पहले गांव में जो सखी सखी औरतें लड़कियां औरतें बनती थी ना, तो अपना जो है कपड़ा सखी को देती थी, सखी का कपड़ा पहनती थी। तो सखी संप्रदाय दूसरी बात, आज की डेट में इंटरनेट पर उपलब्ध है कि आप चाइनीज सामान मंगाइए और उसकी ब्रांडिंग करके अपना व्यापार चलाइए। क्यों क्यों है और कहां उसमें रोक है? आपका जितना जो है सोलर इंडस्ट्री है उसमें 90% जो सोलर प्लेट है, चाहे अडानी की सोलर प्लग का क्यों ना हो, टाटा की क्यों ना हो, 90% चाइनीज है। क्यों चाइनीज सोलर जो है वो आप जो प्लेट लगाने के लिए जो है आपने अनुमति दे रखी है? ये जो आपका जो ये बिजली वाला झालर तो छोड़िए, मोटी मोटी बात है, ये आपका जो ये बल्ब है छोटा वाला, क्या कहते हैं एलईडी बल्ब, इसकी बल्क सप्लाई चाइना से है। बल्क सप्लाई जो भारत के जो घरों घरों में और तमाम इंडस्ट्री में उस बल्ब को लेकर के महाबल्ब बना करके जो है क्या कहते हैं जो बनाया जा रहा है, तो कहाँ है? वो कहने का मतलब है कि आप किसी को ब्रांड कर दिए, राहुल गांधी को तो ब्रांड किया था कि देशद्रोह किया, चला नहीं मामला। अब इनको कह रहे हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश को भारत के नक्शे से अलग दिखाना चाहते थे, दिखाया नहीं चाहते थे, ये किसी के मन के भीतर भी पेगासस इन्होंने लगा दिया है कि हमारे मन में क्या है ये जान जाएंगे। ये कह रहे कि जो है वो आपका कश्मीर को विवादित क्षेत्र आपने घोषित किया था, तो ये तो था और वो आप विवादित करना चाहते थे अरुणाचल को, जो है मतलब चीन के हिस्से में दिखाना चाहते थे आप अरुणाचल को, माइनस करके भारत का नक्शा दिखाना चाहते थे। अब वो इनको पता नहीं कहां से पता चल गया भाई, हो सकता है पेगासस से आगे का कुछ आ गया हो जो मन के भीतर की बात भी कंप्यूटर के माध्यम से हैक करके पहुंचा देता हो। महाभारत के संजय का दूरबीन नहीं था, उससे भी आगे का मामला है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप दोनों से और पॉलिटिकल सवाल। जिस तरीके से ईडी सीबीआई तमाम इनकम टैक्स विरोधी जो पक्ष है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और कोई बीजेपी का आदमी उसका समर्थक कोई नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या विपक्षी सरकारी जो नौकर होते हैं उनको कानून के हिसाब से काम करना होता है, क्या विपक्षी दलों को ये घोषणा पत्र में नहीं डालनी चाहिए कि बगैर किसी आधार के अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं जो ऑफिसर, उस ऑफिसर के खिलाफ हम लोग जो आएंगे कानून बनाएंगे उस ऑफिसर के खिलाफ प्रोसीडिंग चलाएंगे? अब इस तो अति हो रहा है ना, अति हो रहा है, ये बिल्कुल करना चाहिए। और कई कई मामलों में अब तो राहुल गांधी की कह भी रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें ईडी को भी शामिल करना चाहिए। यही नहीं, शरद पवार जिस तरह ईडी के दफ्तर पर चढ़ गए संजय सिंह की घटना के बाद, पूरे इंडिया गठबंधन को, सारे नेताओं को, छोटे बड़े ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी सोनिया गांधी सबको, शरद पवार को ईडी के दफ्तर पर दिल्ली में चढ़ जाना चाहिए कि हम सब लोग आए गिरफ्तार करो, बारी बारी से क्यों गिरफ्तार करोगे? मैनिफेस्टो में डालना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्तिगत कार्रवाई होगी, वो डालना ही चाहिए। और साथ में ये भी है कि वो उनके जो है आय और व्यय का, चुनाव आयोग के अधिकारियों के जो है वो क्या कहते हैं आय और व्यय का हिसाब लिया जाएगा, और संपत्ति उनकी आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं उसका भी हिसाब लिया जाएगा, आपका ईडी का भी लिया जाएगा, सीबीआई का भी लिया जाएगा। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि केवल आप इंस्पेक्टर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिल्ली में पोस्टेड है किसी डिपार्टमेंट के, आप उनका आय और व्यय का सर्वे करा लीजिए, अगर आय और व्यय के सर्वे से उनका जो है आय मैच कर जाए तो मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा। जी संजीव जी, फाइनल टिप्पणी। देखिए मेरा ये मानना है ना कि जो भारत में जो जांच एजेंसियों को लेकर जो कानून है वो कानून स्वतंत्र इंडिपेंडेंट और बहुत डिफाइन कानून नहीं है, कि अगर स्टेट एजेंसियां अगर क्राइम करती है तो उसको एक अलग धाराओं के तहत भारतीय कानून में लेना चाहिए कि उन पर क्या कार्रवाई होगी। अब उनको एज ए इंडिविजुअल आप किसी को
कोई क्राइम कर रहा है तो बाद में किसी के कोई कार्रवाई करके अलग अलग धाराओं में डाल दें। बेसिकली स्टेट के जो एजेंसियों के जो क्राइम हैं उसके लेकर एक अलग से कानून इस देश में लाने का वादा करे विपक्षी दल, कि ये जो इशारों पे अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पे जो कार्रवाई होती है और जांच एजेंसियां करती हैं, या किसी कारपोरेट के इशारे पे जांच एजेंसियां अगर कोई कार्रवाई करती हैं तो अगर उसमें वो दोषी पाए गए तो उन पे इन इन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। वेल डिफाइंड एक लॉ इनको बनाया जाना चाहिए, जो अभी तक मिसिंग है भारत के अंदर। अभी भी जो लॉ आया है जो न्याय संहिता, तो उसमें स्टेट जो क्राइम है, स्टेट का जो क्राइम है, कहीं भी क्राइम हो, चाहे इंडिविजुअल के प्रति हो, चाहे आदिवासी के प्रति हो, चाहे दलित के प्रति हो, चाहे फर्जी किसी ढंग से किसी को फंसाने का है, अगर वो कोई फर्जी फंसा गया और बरी हो गया तो जिम्मेवार अधिकारी का क्या होगा? जो जिम्मेवार अधिकारी अगर कोर्ट से बरी हो जाते हैं, कल को संजय सिंह इतने दिन जेल में रहे, तो अगर वो कोर्ट अगर वो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किए गए और अगर गलत तरीके से उनको डिटेन करके रखा गया, तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के लिए क्या सजा है? क्या इसके लिए कोई कानून में प्रावधान है? ये नहीं है, कहीं वेल डिफाइंड प्रावधान तो मुझे आज तक नजर नहीं आया। दूसरे जो सबसे बड़ी बात यह है, और इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है, वो कांग्रेस भी ईमानदार नहीं है। कांग्रेस अगर इतनी ईमानदार होती 60-70 सालों में तो मैं नहीं समझता कि जांच एजेंसियों की इतनी हिम्मत होती कि इस ढंग से किसी भी पॉलिटिकल इस मास्टर के इशारे पे दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स को प्रताड़ित करती। और आप देखिए, कई चीजों को देखिए कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो दिल्ली शराब घोटाले का जब मसला आया था तो साउथ लॉबी की बात हो रही थी, तो साउथ लॉबी में जो वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद के बेटे अरेस्ट हो गए, राघव रेड्डी, और केसीआर की बेटी को लगातार पूछा जा रहा था बुला बुला के, ईडी के कार्यालय में पूछताछ हुआ था उन्होंने, आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे एक दिन धरना पे भी बैठी थी केसीआर की बेटी। अभी तक केसीआर की बेटी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या डील हुई है केसीआर से बीजेपी की? कि अगर वो भी इन्वॉल्व थे तो उनको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया? कि कहीं अंदर खाते वाईएसआर के केसीआर के साथ दोनों के साथ नेगोशिएशन हुआ है 2000 आपके साथ खड़े हैं, और जो उस नेगोशिएशन में नहीं आ रहे हैं उनको अरेस्टिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि पैसे का कोई ट्रांजेक्शन तो मिल नहीं रहा है, दिल्ली शराब घोटाले में फायदा पहुंचाया गया, लेकिन जब तक पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो कैसे आप किसी को करप्शन को साबित कर दीजिएगा? तो सवाल यही है, बढ़िया कुछ हो रहा है ये सारे कुछ में 2024 को लेकर सबको थ्रेट किया जा रहा है। अगर आज आम आदमी बोलती है, आज आम आदमी पार्टी बोल दे कि हमको भाजपा के साथ जाना है और हमको इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, अजीत पवार की तरह पाक साफ हो जाएंगे, और 3 दिन के अंदर संजय सिंह की भी जमानत हो जाएगी, 3 दिन के अंदर मनीष सिसोदिया की भी हो जाएगी, और 3-4 दिन में अगले सत्येंद्र जैन की भी हो जाएगी। आज बस केजरीवाल सरेंडर कर दें। अब आज अभी चूंकि सरेंडर किया नहीं है केजरीवाल ने, तो आज आ गया ही सारा कि अरे अभी तो मेन बंदा बाहर है, केजरीवाल को अंदर करना है। तो सवाल यह है कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, और राहुल गांधी जो अभी आपने बात कही या कोई भी विपक्षी दल, अब इस चीज को टाइम आ चुका है कि जांच एजेंसियों को लेकर स्पष्ट कानून बात करे कि अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, अब अगर वो बाद में कोर्ट से बरी हो जाता है या कोर्ट को लगता है कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो दुरुपयोग करने वाले और जो दुरुपयोग हो रहे थे उनकी सजा को लेकर एक स्पष्ट कानून इस देश में बनाए जाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही ये देश का माहौल उड़ता रहेगा देश में। चलिए, अभी तक कोई कानून नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ऑफिसर्स की। अगर वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं और 5 साल आप जेल में रह के आते हैं, बाद में निर्दोष साबित होते हैं, तो उस ऑफिसर पे कोई कार्रवाई, रिटायर होकर आराम से अपनी जीवन वो जी सकता है। अब जरूरत आप आन पड़ी है कि एक कानून स्पष्ट बने कि ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई करें जो कानून के द्वारा नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इशारों पर काम करते हैं, और कानून की धज्जियां जब उड़ाते पकड़े जाएं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों देखते रहिए अंबेडकर नामा, जल्द मुलाकात होती है आपसे फिर। शुक्रिया सर, थैंक यू।